अब चल रहे हम लोग चेक इन करने, चेक इन करके फिर रूम टूर आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे कितना बड़ा लॉन है ये। अभी तक मैं जिस रिजॉर्ट में, जिस होटल में भी गया, वहाँ पे मंदिर होता ही होता है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये राम मंदिर है। धनबाद का खाना बहुत लाजवाब है, फ्रेश लेमन सोडा। हे गाइस, दिस इज अंकुश शर्मा फ्रॉम ट्रैवल एटेडी चैनल, और स्वागत करता हूँ फिर से आपका इस चैनल पे। तो आपको जैसा पता है कि खाना खजाना सीरीज चल रहा है, और आज हम लोग इनवाइटेड है डिनर के लिए द वेडिंग बेल्स होटल में। चल रहे हम लोग वेडिंग बेल्स, और जैसा वहाँ का टूर होता है, कैसा होटल है, कैसा खाना वहाँ का, टोटल रिव्यू मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको खाना खजाना सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे वीडियोज पे। और अब जल्दी से जर्नी स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको मिलता हूँ वेडिंग बेल्स में। अभी रास्ते में है और जा रहे हैं द वेडिंग बेल्स होटल। अभी आपको कैसा होटल है, कैसी वहाँ की फूडिंग है, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी है, आपको मैं टोटल चीज़ बताता हूँ। और वीडियो पे यार पूरा बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको सब जानकारी मिलेगी, और बहुत मज़ा आने वाला वीडियो में, तो वीडियो पे बने रहे। भाई यहाँ पे बारिश आ गई है, अभी मौसम साफ था और अचानक से बारिश होने लगी है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, देखते हैं निकल जाएंगे, पहुँच जाएंगे हम लोग तब तक, और तेज हुई तो रुकेंगे फिर रास्ते में कहीं। हम लोग आ चुके हैं द वेडिंग बेल्स, सामने आप देख रहे हैं। अब चल रहे हम लोग चेक इन करने, चेक इन करके फिर रूम टूर आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा रूम, पूरा रूम टूर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं, आपको बेड मिल जाता है, यहाँ पे काफी अच्छा बेड है क्वीन साइज, और फिर आपको यहीं पे एक साइड में ही सोफा मिल जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आराम से बैठ बैठ के यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे फोन मिल जाता है, ठीक है, यहाँ से आप कॉल करके रिसेप्शन पे अगर कुछ ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सब रिमोट्स मिल जाते हैं, एसी के, टीवी के रिमोट्स है। यहाँ पे आपको एक टेबल मिल जाता है, और यहाँ पे एक आपको बढ़िया सर टीवी मिल जाता है, एक ड्रॉवर मिल जाता है, दोनों साइड ड्रॉवर होता है सामान वामान रखने के लिए। और इधर आइएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाता है ये चाय कॉफी का सामान, ठीक है, पानी रखा हुआ है दो बोतल, वैसे जो रूम होता है दो लोगों के लिए होता है, और ये सब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो पानी वानी कॉफी का सामान चाय का सामान ये सब रखा हुआ है कैटलॉग। और यहाँ पे आपको एक वार्डरोब मिल जाता है, सामान वामान यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा आपको मिरर मिल जाता है, तो ये बनाया हुआ है छोटा सा, यहाँ पे विंडो भी दिया हुआ है बाहर। अगर बाकी मैं आपको अभी वॉशरूम दिखा देता हूँ, ये यहाँ का वॉशरूम है, बेसिन है सामने, ये शावर एरिया है, यहाँ पे आपको टॉवल मिल जाता है, आपको मॉइस्चराइजर है, और ये शैम्पू है, और ये शावर जेल, ये सोप है, बाकी ये यहाँ पे एक आपको शेविंग किट मिलता है। तो ये था यहाँ का रूम टूर, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे बाहर घूमने के लिए। अभी बाहर का होटल का जो टूर है, मैं आपको पूरे होटल का टूर दिखाऊंगा अभी, ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे फिर मैं बाहर। अभी आपको मैं बाकी का जो रिजॉर्ट का टूर है, होटल का जो टूर है वो दिखा देता हूँ।
अभी गाइज हम लोग रूम टूर आपको दिखा दिया, थोड़ा हम लोग ने रेस्ट किया अभी रूम पे, और अभी हम लोग निकले हैं, थोड़ा सा एक टूर कर रहे हैं होटल का, तो आपको दिखा देते हैं क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये बैंक्वेट हॉल है, एक इधर है, अगर छोटा कुछ फंक्शन है बर्थडे वर्थडे तो इधर भी कर सकते हैं, उधर भी एक बड़ा सा बैंक्वेट हॉल है, आपको दिखा देता हूँ एक बार सामने से। ये है यहाँ का बैंक्वेट हॉल, इधर स्टेज स्टेज अगर लगाना है तो ये आपका हो गया बड़ा सा एकदम हॉल है, ये बैंक्वेट हॉल आप देख सकते हैं। यहाँ पे शादी वादी का फंक्शन, एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ भी आपको प्लान करना है बढ़िया से कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया में ये हॉल है और काफ़ी खूबसूरत भी है। तो ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा लॉन है, ये पूरा काफ़ी बड़ा एरिया है, जैसा कि नाम है द वेडिंग बेल्स, देख सकते हैं वहाँ पे आप, यहाँ पे एंट्रेंस है इधर से और सामने ही यहाँ पे मंदिर है। ये बहुत अच्छा लगता है यार कहीं पे भी जाने पे, कितना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। अभी तक मैं जिस रिजॉर्ट में जिस होटल में भी गया वहाँ पे मंदिर होता ही होता है। ये राम मंदिर है, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ है, वहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं, ये राम भगवान, इधर लक्ष्मण भगवान है और उनके राम भगवान के भाई तब जो है सीता माँ, और वहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं। अभी हम लोग टेरेस पे आए हुए हैं और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं यार, काफ़ी अच्छा है ये, देख आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया लॉन का है, और वो बैंक्वेट हॉल हो गया वहाँ पे जो आपको अभी दिखाया था। आप देख सकते हैं सामने हाईवे है, ये जो धनबाद से उनको पता होगा, ये जो हाईवे है ना वो मेम्को मोड़ पे जाके मिलेगा, इधर ही आपका बिरसा मुंडा पार्क भी है, इधर से जो सराय डीला रोड से आएंगे ना सामने तो एक आपका रोड चला जाता है बाईपास की तरफ जो कि धनबाद चला जाता है सीधा, और एक रोड इधर आ जाता है जो कि मेम्को मोड़ की तरफ जाता है। तो आपको मैं एड्रेस जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहाँ का एड्रेस डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं, इस होटल का नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉल करके भी बुक कर सकते हैं। अभी हम लोग नाइट टूर एक ले रहे थे यहाँ पे, अभी फाउंटेन काफ़ी अच्छा फोटोजेनिक एरिया है और इधर भी आप फाउंटेन देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फोटोजेनिक एरिया भी है, और आप इधर भी चाहे तो इधर भी खाना खा सकते हैं लॉन में बैठ के, लेते हुए सुनहरा मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, और खाना को आप इंजॉय कर सकते हैं अपने मील को फाउंटेन वगैरह को देखते हुए। अभी हम लोग यहाँ पे डिनर करने बैठे हैं और अभी देखते हैं यहाँ का पुडिंग कैसा है, तो अभी ऑर्डर करते हैं। तो हमारा यहाँ पे स्टार्टर आ चुका है, अब आपको दिखाता हूँ क्या क्या स्टार्टर में है, यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्टर में ये हमारा देख सकते हैं, यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप, चटनी, ग्रीन मिंट सॉस है ये, और यहाँ पे वेज मंचूरियन बॉल्स, और ये पनीर मलाई टिक्का। तो अभी टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा टेस्ट है। ये हमारा स्टार्टर, अभी हमने ये लिया है और अभी टेस्ट करते हैं कैसा है। सबसे पहले ट्राई करते हैं चिकन लॉलीपॉप, ठीक है, ये चिकन लॉलीपॉप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, ये अभी ये टेस्ट करते हैं। सुपर टेस्ट है भाई इसका, बहुत तगड़ा टेस्ट है, और जो पूरा रोस्ट किया गया आप देख सकते हैं बढ़िया से एकदम रोस्टेड है और बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है।
ये मलाई पनीर टिक्का, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये पनीर को पहले ग्रिल्ड किया हुआ है, ये ग्रिल्ड किया गया है साइड साइड से, और ऊपर से यहाँ पे टोमेटो और ये ऊपर से चीज़ डाला हुआ है। अब ट्राई करते हैं मेरा फेवरेट मंचूरियन बॉल्स, ये मंचूरियन बॉल्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग और बहुत ही शानदार लग रहा है। टेस्ट करते हैं, हमेशा की तरह बहुत टेस्टी। इंजॉय करते हैं अभी स्टार्टर को, फिर मेन कोर्स मंगवाते हैं। और अभी मेन कोर्स आता है तो मेन कोर्स बताता हूँ कैसा टेस्ट होता है उसका। तो हाँ जी, हमारा मेन कोर्स आ चुका है, देख सकते हैं ये हमारा मेन कोर्स। अब क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये है कढ़ाई चिकन, ये है वेज गुलाब जामुन, और ये है बटर नान, यहाँ पे अचार सैलेड, और ये है वेजिटेबल स्टफ कुलचा। तो खाना देख सकते हैं काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है। ये हमारा मेन कोर्स है आज डिनर का, और अभी टेस्ट करते हैं बताते हैं कैसा है। अभी नान के साथ टेस्ट करते हैं, और ये ट्राई करते हैं मिक्स वेज के साथ। चटपटा टाइप है मिक्स वेज, अच्छा है। देख सकते हैं आप काफी सारे वेजेस डाले हुए हैं, पनीर है, फिर यहाँ पे आपका चीज़ डाला हुआ है, अच्छा है, चटपटा है। एक कुलचा ट्राई करते हैं, कुलचा, और ये ट्राई करते हैं हम ये कढ़ाई चिकन के साथ। ये थोड़ा सा चिकन, चिकन भी काफ़ी सॉफ्ट है आप देख सकते हैं। ये चिकन ले लेते हैं थोड़ा इस पर, और ये बहुत मस्त है। मिक्स वेज भी अच्छा है, लेकिन जो कढ़ाई चिकन है वो एकदम मन लायक है, बहुत अच्छा है। कुलचा भी स्टफ कुलचा जो है बहुत ही नरम है और बहुत अच्छा है। एक बार नान के साथ इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा सा चिकन, और थोड़ा प्याज भी ऐड कर लो, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बहुत लाजवाब। ये गुलाब जामुन टेस्ट करते हैं, ये भी बड़ा सॉफ्ट है, गर्म है, गर्म और स्पॉन्जी और बहुत मस्त। तो अभी हम लोग मील को एंजॉय करते हैं। कहा जाता है धनबाद का खाना बहुत लाजवाब है। अभी तक मैं धनबाद में जहां जहां भी गया वहाँ हर जगह का खाना मुझे A1 क्वालिटी का लगा। धनबाद में जिस जगह भी रिजॉर्ट पे घूमता हूँ वहाँ का खाना टेस्ट जरूर करता हूँ, और आपको जेन्युइन रिव्यू बताता हूँ। और ये राइस जीरा राइस है, इसी के साथ एक बार चिकन को टेस्ट कर लेते हैं। राइस के साथ तो और भी मज़ा आ गया, और इस पर थोड़ा नींबू तो और भी मज़ा आ जाए, थोड़ा सा नींबू।
लाजवाब। हमारा फ्रेश लेमन सोडा, मस्त चिल्ड सोडा। खाना खाने के बाद सोडा पीने से खाना जल्दी पचता है। तो हाँ जी, डिनर हो गया हमारा। डिनर काफी लाजवाब था, आपको दिखाया क्या क्या था डिनर में, और रिजॉर्ट का भी पूरा टूर आपको दे दिया। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को वीडियो पसंद आया हो। और कमेंट में बताइए कि आप किस जगह से मेरा वीडियो देख रहे हैं। अब हम यहाँ से चेकआउट करते हैं और एक अच्छे ट्रिप के साथ आपको जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए एक काम कीजिए, अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन अगर नहीं दबाएंगे ना तो आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इसी तरह अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। मैं हूं अंकुश शर्मा, ट्रैवल एटेडी से। जय हिंद जय भारत।